हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास टेंथ इंग्लिश का रियल पेपर लेकर आ चुके हैं दोस्तों, जो आपका पेपर कल होने वाला है 2 जनवरी को। तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसमें दोस्तों आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपका होगा 75 नंबर का। दोस्तों यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या क्या दिए हुए। तो पहला इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसमें, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। दूसरा दिया हुआ है इसमें इंस्ट्रक्शन, मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट देम। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन ए दिया हुआ है रीडिंग का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये दोस्तों पैसेज दी हुई है, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि दोस्तों जब आप ये पैसेज अच्छे से रीड करेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर नीचे दिए हुए सारे क्वेश्चन के आंसर इसी से मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग पैसेज को अच्छे से रीड करिएगा, 5 नंबर की आपके एग्जाम में आएगी पैसेज ये। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन से दिए हुए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, सोलर पैनल रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज। ए ऑप्शन, दे हैव स्मॉल पार्ट। बी ऑप्शन, दे आर नॉट। सी ऑप्शन, देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। डी ऑप्शन, दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन ओपन प्लेसेस। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, सोलर पैनल्स। ए ऑप्शन, इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। बी ऑप्शन, डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। सी नंबर दिया हुआ है, डोंट नो। डी ऑप्शन दिया हुआ है, आइदर ए और बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड। तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें डिसाइडेड। बी ऑप्शन दिया हुआ है डिसीजन। सी ऑप्शन दिया हुआ है डिसीजिव। डी ऑप्शन दिया हुआ है डिसीव। चौथा क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफर्स टू द पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स। ए ऑप्शन, टैक्स बेनिफिट्स। बी ऑप्शन, अदर इंसेंटिव्स। सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन, आइदर ए और बी। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, सोलर पैनल्स। ए ऑप्शन, इंक्रीजेज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। बी ऑप्शन, रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। सी ऑप्शन, जनरेटेड पेट्रोल। डी ऑप्शन, नन ऑफ द एबव। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, ये पैसेज दी हुई है, 2 नंबर की आपके एग्जाम में आएगी, तो आप लोग अच्छे से रीड करिएगा पैसेज को। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन से दिए हुए, तो पहला क्वेश्चन देख सकते दिया हुआ है, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज ए पेशेंट ऑफ। ए ऑप्शन, केरेब्रल अटैक। बी ऑप्शन, पोलियो। सी ऑप्शन, डायबिटीज। डी ऑप्शन, हार्ट डिसीजेस। तीसरा दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू। ए ऑप्शन, वर्डिक्ट। बी ऑप्शन, प्रिडिक्ट। सी ऑप्शन, एडिक्ट। डी ऑप्शन, प्रोटेक्ट। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, द नरेटर वाज द 7th child इन ए फैमिली दैट हैड। ए ऑप्शन, 1 score children। बी ऑप्शन, 8 children। सी ऑप्शन, 9 children। डी ऑप्शन, 23 children। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पोलियो द ड्रीडी डिसीज मेनली इफेक्ट द। ए ऑप्शन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बी ऑप्शन, ब्रेन एंड नर्वस। सी ऑप्शन, हार्ट एंड स्पिनल कॉर्ड। डी ऑप्शन, ब्रेन एंड हार्ट। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक ए फॉरेनर। ए ऑप्शन, ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। बी ऑप्शन, ही वाज फेयर विद रेड हेयर। सी ऑप्शन, ही वाज फेयर एंड स्किनी। डी ऑप्शन, ही वाज डरेंड ब्लोंड। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। फिर इसके बाद देख सकते हैं सेक्शन भी दिया हुआ है राइटिंग का। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसमें दोस्तों पैसेज दी हुई है, इस पैसेज को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर दिया हुआ है, यू आर अरुण त्रिपाठी रीडिंग इन क्लास 10 गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बिकॉज योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू भोपाल। दोस्तों अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आप दोस्तों ये वाला कर सकते हैं जो अथवा में दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ, यू आर राकेश मिश्रा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड मनीष इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। दोस्तों अगर आपको ये एप्लीकेशन नहीं आता तो आप ये लेटर लिख सकते हैं, दोनों में से आपको जो भी आता हो वो आप अच्छे से लिख लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो इसमें दोस्तों टॉपिक के नाम दिए हुए थे, टॉपिक दिया हुआ इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वंडर ऑफ साइंस, माई हॉबी, द डिजिटल इंडिया मूवमेंट, और में अथवा में दिया हुआ है, राइट एन आर्टिकल ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर दिए हुए हैं आर्टिकल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन्स, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम टीचिंग, स्वच्छ भारत मिशन, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर तीन नंबर का, राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 वर्ड्स इन द बेसिस ऑफ द विजुअल गिवन। तो ये दोस्तों दिया हुआ है, इस फिगर को आपको अच्छे से देख लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं सेक्शन सी दिया हुआ ग्रामर पोर्शन से। तो सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। पाँच नंबर का आएगा आपको एग्जाम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला दिया हुआ क्वेश्चन, वर्क हार्ड फिल इन द ब्लैंक्स यू विल फेल। तो इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, बट एंड और। तो इन दोनों तीनों में से आपको यहाँ पर एक आंसर फिल कर लेना है। दूसरा दिया हुआ है, द गंगा इज फिल इन द ब्लैंक्स सेक्रेड रिवर ए एंड द। तीसरा दिया हुआ, प्लीज स्प्रीड फिल इन द ब्लैंक्स बटर ऑन ब्रेड ए फ्यू ए लिटिल फ्यू। चौथा दिया हुआ, ही हैज गिवन फिल इन द ब्लैंक्स स्मोकिंग अवे अप फोर। पांचवा दिया हुआ क्वेश्चन, वी फिल इन द ब्लैंक्स वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस शुड यूज्ड आउट। छठा दिया हुआ, ही ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स अदर्स हेल्प हेल्प्स हेल्पिंग। आठवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। पहला दिया क्वेश्चन, सी कट द ट्री चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। पांच नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो पहला दिया हुआ यहाँ पर, सी कट द ट्री चेंज द इंट्रोगेटिव में आपको चेंज करना है। दूसरा दिया हुआ है, ही टीच इंग्लिश चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तीसरा दिया हुआ है, यू डोंट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश यू रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ हिम। चौथा दिया हुआ क्वेश्चन, ही इज टू पुअर टू प्ले टू पे हिज फीस रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। पांचवा दिया हुआ है क्वेश्चन, ही टीच मी साइंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। छठा दिया हुआ, ही इज बीइंग हेल्प्ड बाय अंकित चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। सेक्शन डी दिया हुआ लिटरेचर से। तो क्वेश्चन नंबर 9वां यहाँ पर दिया हुआ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। छः नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट ए पायलट सिगल पैरट पिजन। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो आप जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। दूसरा दिया क्वेश्चन, हु इज द पोइट ऑफ द पोइम अमांडा। तो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन दिया हुआ है, लेस्ली नॉरिस, बी ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी ऑप्शन जॉन बैरीमैन, डी ऑप्शन रॉबिन केलिन। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, मिनरल डायमंड्स प्यूपिल पॉलिटिशियंस। चौथा दिया हुआ क्वेश्चन, इन द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग, एयरबस बोइंग डकोटा मिन
मिनेसोटा। पांचवा दिया क्वेश्चन, व्हाट डिड एने फ्रैंक नेम हर डायरी, एने कैटी किटी किटन। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स विच ऑफ द क्वालिटीज हैव ह्यूमंस गिवन अप, इनोसेंस काइंडनेस ट्रूथफुलनेस ऑल ऑफ दीज। दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तीन नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो पहला दिया क्वेश्चन, इसमें दोस्तों ये दिया हुआ है स्टेंजा, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए, पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम द एबव लाइन हैव बीन टेकन, डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस ए टाइगर इन द जू द बॉल पोएम। दूसरा दिया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड मेरिली, सैडली हैप्पीली क्लीवरली सुपियरली। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर डिड द बॉल गो। बीस नंबर दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तीन नंबर का आएगा आपके एग्जाम में प्रोज से। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ, वेयर डिड बांडा सिट इन द क्लासरूम, इन द फ्रंट सीट, इन द लास्ट सीट, इन द मिडिल सीट। दूसरा दिया क्वेश्चन, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड एब्सेंस इज, अब्सेंट अब्सेंटली अब्सेंट अब्सेंटी। तीसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पर, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक द हंड्रेड ड्रेसेस वन ब्लैक एरोप्लेन। ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। दूसरा दिया हुआ है, व्हाई डिड एने फ्रैंक वांट टू कीप ए डायरी। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, व्हाई डिड वांडा से टू हर फ्रेंड्स दैट सी हैड 100 ड्रेसेस। चौथा दिया क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड आफ्टर हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड। पांचवा दिया हुआ है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड आफ्टर हिज क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉयड। छठा दिया हुआ यहाँ पर, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। सातवा दिया हुआ, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंगली। बारहवा क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू। तो पहला दिया हुआ, व्हाई डज मिसेज पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। दूसरा दिया हुआ है, हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। तीसरा दिया हुआ है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। तेरहवा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स एनी टू। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पर, व्हाई डज मिसेज पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लेने सारे क्वेश्चन के आंसर। चौदहवा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 75 वर्ड्स। तो तीन में से दोस्तों आपको दो क्वेश्चन के आंसर करने अच्छे से। पंद्रहवा क्वेश्चन दिया हुआ है, से वाई राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू इन अबाउट 75 वर्ड्स। अथवा में दिया हुआ है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस मीन विद रिफरेंस टू द पोएम द बॉल पोएम। सोलहवा दिया क्वेश्चन, व्हाई डिड मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इंसेंट्रिक इन अबाउट 75 वर्ड। अथवा में दिया हुआ है, व्हाट डिड हरी गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से तैयार करके जाने हैं अपने एग्जाम में। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अब आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।